Welcome to Concept Classroom. Learn by visualizing the concepts. Chapter 3, Atoms and Molecules, Part 2. First of all, let's answer this question. What is an atom? Humne atom se related theories, laws and some NCERT questions discuss kare the isse previous video mein. इस वीडियो में हम एटम के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर, हाउ बिग आर एटम्स एंड सम मोर अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो इतना माइन्यूट, इतना स्मॉल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. एज वी स्टडीड दैट एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. इस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. सारे मैटर एटम्स से ही बने हैं. सो एटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. हाउ बिग आर एटम्स? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine. Atoms बहुत ज़्यादा small होते हैं, हमारी imagination से भी कहीं ज़्यादा. इसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं. More than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as sheet of paper. जब millions से भी ज़्यादा atom combine होंगे, तो वो जो layer बनाएंगे, वो एक paper जितनी ठीक होगी. तो आप सोच सकते हो कितने छोटे हो सकते हैं एटम्स के पार्टिकल की मिलियंस एटम मिलके भी इतनी पतली शीट बना रहे हैं पेपर जितनी. एटॉमिक रेडियस इन नैनोमीटर्स. एटम का रेडियस मेजर्ड किया जाता है नैनोमीटर्स के टर्म्स में. 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-9 मीटर्स. व्हाई शुड वी केयर अबाउट एटम्स इफ दे आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज? जब एटम्स इतने ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, साइज में इतने ज्यादा स्मॉल है, तो हमें उनके बारे में केयर ही क्यों है? व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट एटम्स? बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अबाउट एटम्स. क्योंकि हमने कहा बिल्डिंग ब्लॉक मैटर का एटम्स ही है, तो एंटायर वर्ल्ड एटम्स से ही बना है. वी आर अनएबल टू सी देम, उन्हें देख नहीं सकते, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्ट्स व्हाटएवर वी डू. हमारी सारी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं एटम्स. Through modern techniques, we can now produce magnified image of surface of elements showing atoms. Modern techniques के help से हम blurry, थोड़ी blurry होती है वो image काफी, फिर भी हम देख पाते हैं काफी हद तक surface of elements showing atoms and image of surface of silicon showing the atoms. Symbols of atoms of different elements. अब different एलिमेंट्स के जो सिंबल्स दिए गए हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. डेल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का एक सिंबल होना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले डेल्टन ने स्टडी किया. अलोंग विद सिंबल ही आल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट. उस एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट है उसके सिंबल के बारे में फर्स्टली डेल्टन ने इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने क्या क्या सिंबल्स दिए वो देख लेते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन गिवन बाय डेल्टन. देन दिस इज फॉर फॉस्फोरस. दिस इज फॉर कॉपर. नेक्स्ट इज फॉर गोल्ड. दिस इज फॉर कार्बन. दिस इज फॉर सल्फर, लेड, प्लैटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर एंड मर्क्यूरी. ये सब सिंबल्स थे जो डेल्टन ने दिए थे. दीज आर द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर प्रपोज्ड बाय डेल्टन. बाज़ीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स. हर एक एलिमेंट को जैसे डेल्टन ने सिंबल दिए हुए पॉसिबल नहीं थे. तो एक नए साइंटिस्ट आया बाज़ीलियस, उन्होंने सजेस्ट किया दैट सिंबल्स जो एलिमेंट्स के होंगे वो उन्हीं के नाम के पहले लेटर या 2 लेटर्स में से निकाल लिए जाएंगे. मतलब जिससे वो वर्ड बनाए उनमें से ही कुछ लेटर्स हमने पहला निकाल लिया, 2 निकाल लिए, उनसे ही वो उनके सिंबल्स बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम का Li, हाइड्रोजन का H, कैल्शियम का Ca एंड सो ऑन. In the beginning of
the name of the elements were derived from the name of the place where they were formed for the first time. बिल्कुल स्टार्टिंग में जो नेम थे एलिमेंट्स के वो किस बेसिस पर डिराइव हुए फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस जहां से वे आए हैं सबसे पहली बार जहां मिले गए हुए फाउंड हुए सबसे पहले लाइक नेम ऑफ कॉपर वाज टेकन फ्रॉम सिप्रस दैट्स व्हाई इट्स सिंबल इज Cu. सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स कुछ के नेम कलर्स के बेसिस पे लिए गए फॉर एग्जाम्पल गोल्ड विच वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो जिसका मतलब येलो था इसलिए उसका नाम गोल्ड गया. सम एलिमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन जर्मन एंड ग्रीक इन सब लैंग्वेजेस के बेसिस पे काफी सारे एलिमेंट्स के सिंबल का नाम डिराइव किया गया. द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम लैटिन नेम फेरम फेरम से Fe लिया गया आयरन का सिंबल. सोडियम का Na लिया गया नेट्रियम से. पोटेशियम का के लिया गया फ्रॉम केलियम. Nowadays, IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, approved the name of elements. जो IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अब अप्रूव करती है नेम ऑफ द एलिमेंट्स. सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स. ये सब आपको लर्न करना है. आप एक दो बार इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अपना आप याद हो जाएगा बिकॉज आगे जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे बैलेंसिंग होगी जो भी काम होगा इन सिंबल्स के बेसिस पर ही होगा. सो यू मस्ट लर्न ऑल दीज सिंबल्स. एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन डी, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U एंड जिंक Zn. वॉट इज एटॉमिक मास. अब हमने एटम्स समझ लिया क्या होता है कितने बड़े होते हैं वे एंड देन हमने उसके सिंबल स्टडी कर लिए. नाउ इट्स टाइम फॉर देयर मास. अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. हर एक एलिमेंट का अपना एक मास होता है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग. सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम्स वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क. किसी भी एटम का इंडिविजुअल मास कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. That's why relative atomic masses were determined using the laws of chemical combination and the compounds formed. तो elements का relative atomic mass calculate किया जाने लगा बजाय individual atomic masses के. Earlier, AMU abbreviation was used for atomic mass unit. जो unit use हो गया atomic mass calculate करके उसका abbreviation दिया गया था पहले AMU का जिसके full form थी atomic mass unit. बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC recommendations के हिसाब से इट इज नाउ रिटन एज यू विच मीन्स यूनिफाइड मास. बाय सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स ताकि एक कोई हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके बेसिस पे हम बाकी एलिमेंट्स का मास निकाल सकें. सो इन द वेरी बिगिनिंग साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट. ऑक्सीजन का 1/16 मास को एक रिलेटिव मास की तरह यूज किया जाने लगा. दिस वॉज कंसिडर्ड रेलेवेंट ड्यू टू टू reasons. दो रीजन की वजह से हमने ऑक्सीजन को लिया. ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स. बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन हो जाती थी ऑक्सीजन एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज अ होल नंबर. और इसके वजह से जब हम रिलेटिव मास कैलकुलेट करते थे तो हमें होल नंबर में रिजल्ट मिलता था. दैट्स वाई scientists chose oxygen initially. In 1961, for universally accepted atomic mass unit, earlier तो हमने oxygen को लिया, पर 1961 में universally acceptable जो atomic mass unit लिया गया, that was carbon 12, was chosen as a standard reference for measuring the atomic masses. फिर oxygen को हटा के carbon 12 को choose किया गया standard reference, उसके हिसाब से बाकी सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया जाने लगा फ्रॉम 1961. वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. 1/12
एक कार्बन 12 के एटम्स के बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास. हेंस द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12. इसे हम एक्टिविटी से समझेंगे ताकि हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाए अंडरस्टैंडिंग दैट रिलेटिव मास के बेसिस पे हम कैसे बाकी एलिमेंट्स के मास को कैलकुलेट करते हैं. हम इमेजिन करेंगे फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स और उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है, तो उसने क्या सोचा, द मास ऑफ अ वाटरमेलन विल बी टेकन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मास ऑफ अदर फ्रूट्स. उसने कहा कि आई विल टेक अ वाटरमेलन और इस वाटरमेलन के हिसाब से मैं अपने बाकी फ्रूट्स के वेट को कैलकुलेट करूंगा. सो उसने कहा इसको 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया वाटरमेलन को. इसने कहा ये जो वाटरमेलन है इसका मास आपका 12 यूनिट्स है और इसके 12 पीसेस कर दिए गए. इसका मतलब क्या हुआ, एक वाटरमेलन का पीस कितने वेट का हो गया, 1 यूनिट, क्योंकि ये पूरा 12 का है तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट का, 1/12 ऑफ द वाटरमेलन. एक पीस 1/12 हो गया एक वाटरमेलन के, तो इसका मास हो गया हमारा 1 यूनिट. देन ही टुक अ वेइंग बैलेंस, बैलेंस लिया उसने, उसमें एक यूनिट ऑफ वाटरमेलन रख दिया, एक पीस रख दिया तो इसका वेट 1 यूनिट है. उसने एक एप्पल रखा, बैलेंस नहीं हुआ, दूसरा एप्पल रखा तो बैलेंस हो गया. इससे हमें क्या पता चला कि दो एप्पल्स 1 यूनिट के हैं, मींस 1 एप्पल कितना हो गया 0.5 यूनिट्स. इस तरीके से वो कैलकुलेट करने लगा अपने सारे फ्रूट्स के मासेस को. सो द फ्रूट सेलर वेज द फ्रूट्स यूजिंग द पीसेस ऑफ वाटर मेलन. अब आपको समझ आ गया होगा रिलेटिव क्या होता है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. इसी तरीके से 1/12 जो कार्बन 12 का मास होगा उसके बेसिस पे बाकी एलिमेंट्स का एवरेज मास कैलकुलेट होगा. सो हियर वी हैव सम एलिमेंट्स लिस्ट अलोंग विद देयर एटॉमिक मासेस. ये भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत हेल्प करेंगे ये वाले. सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल थॉरली. हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, उनके एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. हमने एटम्स की डेफिनेशन में देखा था मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अनेबल टू लिव एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटम्स. सो वो लोग क्या करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. वो एक कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स और आयन के फॉर्म में रहते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी सी फील और टच. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चन. नाउ इट्स टाइम फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट. One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12. हमने एग्जाम्पल से भी समझा था वॉटरमेलन के. सो दिस इज एटॉमिक मास यूनिट. Why is it not possible to see an atom with naked eyes? एक एटम को हम naked eyes से क्यों नहीं देख सकते. The reason is very much clear. It is not possible to see an atom with naked eyes since atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. हमारी imagination, हमारे comparison से कहीं ज़्यादा small होते हैं atoms. Its atomic radius is equals to 1 nanometer. So I hope all these things are clear to you. In next video we are going to discuss about molecules. Molecules के बारे में हम detail में करेंगे and then about chemical formula. If you have any query in this part, so you can comment in comment section. Thanks for watching. Like, share and subscribe the channel and press the bell icon for the latest videos.